या मेरे ना घर पे एक प्रॉब्लम चल रही है जिसका मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, अगर आप लोगों के पास है तो आप मुझे प्लीज़ फील फ्री, ठीक है। मेरे घर पे हो गए ढेर सारे कॉकरोचेस और उनकी इम्यूनिटी चली गई है नेक्स्ट लेवल पे, पता नहीं क्या लग रहा है, वैक्सीन बना ली है कॉकरोचेस भाई मर नहीं रहा है। मैं वो स्प्रे लाया 50 रुपए का, मैं छिड़क रहा हूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको। एक दिन ज़्यादा छिड़का, मेरी सांसें अटक रही, वो मस्त घूम रहे यार आप। तो मैंने डिसाइड किया, मैं आई वेंट फुल साइको ऑन देम, मैं कहा साले को स्प्रे का डब्बा लेके ना फॉलो ही करता हूँ कॉकरोच को, जैसे ही रुकेगा ना ऊपर मारूंगा कुत्ते के। तो ऐसे चलते हुए जा रहा था मैं, पीछे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह सीरियल किलर, ठीक है, लेके चल गया। वो जैसे ही रुका मैंने ऊपर से, तो उसने बगल ऊपर कर दी, ढंग से लगा भाई क्या कर रहा है, डिओड्रेंट की तरह ट्रीट किया यार उसने, इतनी बेइज्जती। तो यार मैं गया गूगल करने, मैं कहा यार क्या पता कोई नया प्रोडक्ट आ गया हो, स्प्रे वे तो हम बचपन से देख रहे हैं। तो अपेरेंटली आया एक प्रोडक्ट, आप लोगों को पता है, जेल करके प्रोडक्ट आया, ऐसा एक वो इंजेक्शन टाइप का होता है, वो जेल के ना ड्रॉप्स लगाने होते हैं, आपने भी किया ये है? पता है लेकिन आपको, आपकी क्या किराने की दुकान है। तो मैं गया यार, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पढ़ के ही मैं फैन हो गया यार। सुनो आप क्या लिखा था, व्हेन अ कॉकरोच ईट्स दिस जेल इट विल डाई, व्हेन दिस कॉकरोच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अदर कॉकरोचेस दे विल ऑल्सो डाई एंड ऑल दीज डेथ्स विल हैपन आउटसाइड ऑफ द हाउस। मैं कहा ये तो खरीदना पड़ेगा भाई, सारे काम हो रहे हैं, देख रहे हो आप, मौतें भी हो रही है, लाशों को ठिकाने भी नहीं लगाना। तो मैं क्या खरीदने फ्लिपकार्ट पे, साला 300 रुपए का था यार स्प्रे, तो मेरा 50 का ही था, 300 ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा, पर वो क्या EMI पे मिला था तो मैंने खरीद लिया। मैं लाया उस पर जो जो इंस्ट्रक्शन लिखे थे बिल्कुल वैसे ही लगाया यार, ऐसी बेइज्जती की ना कॉकरोचेस ने उस जेल की, उससे तो स्प्रे ही बेटर था, एटलीस्ट थोड़ा ऐसा मतलब थोड़ा डिस्कम्फर्ट में तो आते थे वो, जेल को तो गोबर की तरह ट्रीट किया यार उन्होंने, एक कॉकरोच के पैर में लग गया तो मुंह बना के आगे चला गया, व्हाट इज दिस एन हाइजीनिक प्लेस। अब एक कॉकरोच तो खा गया उसको, मुझे लगा ये तो मरेगा और डकार लेके आगे बढ़ गया वो भी, कि लाइट्स ब्रेकफास्ट। इतना इंसल्टेड फील हुआ यार मुझे, लाइक आई फेल्ट चीटेड एज अ कस्टमर। तो मैं गुस्से में गया फ्लिपकार्ट पे उसका नेगेटिव रिव्यू लिखने, पर मेरी वहाँ कुछ टाइप करने की हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि हम इंडियंस ने ऑलरेडी इतने कमाल के रिव्यूज लिखे हुए थे ना वहाँ पे, गजब के रिव्यूज, उसकी मैंने लिस्ट ही बना ली आप लोगों के लिए। बहुत फालतू देश है बता रहा हूँ मैं। I put gel in kitchen but cockroach crawling all over, none of them bothered to test the product. इसने ईगो पे ले लिया कि मैं लगा रहा हूं, तुम टेस्ट ही नहीं कर रहे हो यार, पागल हूं मैं। Forget dying, not one of them fainted. इसको मतलब अगर एक थोड़ा लड़खड़ाता मदहोश थोड़ा सा ऐसा कॉकरोच दिख जाता टेढ़ा चलता है, उसको लगता है थोड़े पैसे तो वसूल हुए। अर्लियर दे वर 50, नाउ दे आर 100. दे गेट एक्साइटेड आफ्टर ईटिंग जेल। योर जेल इज मेकिंग देम हॉर्नी, इट इज लाइक शिलाजीत फॉर कॉकरोचेस। इस पे किसी ने रिप्लाई किया हुआ था, एटलीस्ट समवन इज गेटिंग एक्शन इन दैट हाउस। आप देख रहे हो एक फुद्दू से प्रोडक्ट के कमेंट सेक्शन में ई कॉमर्स वेबसाइट की लिस्टिंग में अंदर देख रहे हो आप, एक नेगेटिव फीडबैक आया उसके ऊपर रिप्लाई भी आ रहे हैं, ये है डिजिटल इंडिया, समझ आया आपको विजन। इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी, 300 रुपीज वेस्टेड। इसको EMI का नहीं पता था, मैंने तो काट दी बीच में ये भाई। 300 रुपीज वेस्टेड, डोंट वेस्ट मनी, इन्वेस्ट मनी, वी आर इनटू इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस, प्लीज विजिट माय। बारवाड़ी बनी है ना, धंधा ढूंढ लिया आगे कमेंट सेक्शन में भाई साहब। आई पुट जेल 4 days अगो, नो कॉकरोच डेड बट माय ग्रैंडमदर डेड। इस पे मैंने रिप्लाई किया, डेथ हैपेंड इनसाइड द हाउस और आउटसाइड द हाउस। पता तो चले काम कर रहा है कि नहीं। यार दिल्ली मेट्रो में मेरे साथ किस्सा हुआ, मैं मेट्रो से उतरा, अभी मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ, ठीक है। अभी प्लेटफॉर्म से नीचे जाने के 3 ऑप्शन होते हैं, या तो आप सीढ़ियाँ ले लो, या एस्केलेटर ले लो, या फिर हम सबकी प्यारी लिफ्ट। मैं तो आलसी आदमी हमेशा लिफ्ट की तरफ भागता हूँ, पर उस दिन मेरी नज़र पहली बार वो एक बोर्ड पे गई जो लिफ्ट के ऊपर लगा हुआ था, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में दिखाता था, दिस लिफ्ट इज ओनली फॉर सीनियर सिटीजन एंड डिसेबल्ड। व्हाट अबाउट लेजी पीपल यार। देखो आई कंसिडर लेजीनेस इज अ डिसेबिलिटी, तो मैं तो हमेशा घुस जाता हूँ, पर उस दिन जब मैं घुसा ना तो 2 लोग लिफ्ट में पहले से ही थे, एक तो थे बूढ़े से अंकल और एक थे अंकल जो व्हील चेयर पर बैठे थे। तो मैं सोच रहा हूँ यार ये डेमो के लिए तो नहीं है,
अभी जस्ट मैंने पढ़ा सीनियर सिटीजन डिसेबल, दोनों कैटेगरी का एक एक खड़ा कर दिया। मैं कहा डेमो के लिए ही हूँ। मैं तो घुस गया अंदर, और ऐसे गंदे काम जब आप करते हो ना तो आप बस ये कोशिश होती है कोई गुस्सा ना हो जाए। तो इसके पहले गेट बंद होता है, 20 साल का लड़का कूदते हुए अंदर आया, तो पहले तो हमने एक दूसरे को देखा। यो ब्रो ब्रेकिंग द रूल्स, हाँ रोडीज योलो थग लाइफ। हम तो एक दूसरे कुछ बोलने नहीं वाले थे, पर उसके बाद तो अनर्थ हो गया। वो गेट बंद होने वाला था, एक खूसट अंकल घुसे दिल्ली के, बड़ा वो पहले से गुस्से में थे, वो देख चुके थे हम दोनों के अंदर जाते हुए। अंदर घुसते ही वो 20 साल के लड़के को झाड़ दिया उन्होंने कि आपके लिए है ही नहीं लिफ्ट, आपको शर्म नहीं आती, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, आप पढ़ नहीं सकते, पूरा सिस्टम खराब कर रखा आपने। अब देखो मेरी डांट नहीं पड़ी, मुझे अच्छा लगा, बट देन आई सडनली रियलाइज अबे मेरी क्यों नहीं डांट पड़ी यार। डिसेबल तो मैं लग नहीं ना हूं, क्या सीनियर सिटीजन में एक्सेप्टेबल हो गया हूं क्या मैं? वो डायलॉगर मार रहे अंकल मेरे को देख के बोलते हैं भाई साहब ये देखो आजकल के लड़कों को। अरे मैंने कहा मैं ही हूं आजकल का यार। मैं साला रोडी थकलाई करके उसके ग्रुप में घुस रहा हूं, आप मुझे इधर खींच रहे हो। पर बताए वो इतने भी बुरे नहीं थे, एटलीस्ट हमको निकाला नहीं उन्होंने लिफ्ट से। पर फिर उससे बड़ी गड़बड़ हो गई, वो गेट लिफ्ट का गेट बंद हुआ और चली नहीं लिफ्ट, बीप बीप की आवाज़ आ गई। क्यों होते थे इतनी गाड़ी है मैं क्या करूँ? तो जैसे ही बीप बीप हुआ उन्होंने 20 साल के लड़के को एक लुक दी, ऐसी लुक दी तुरंत भाग गया, वो पिटाई में हो गया। फिर से गेट बंद हुआ, फिर से बीप बीप, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा मेरा नंबर आ गया। तो ना मैंने व्हील चेयर पर हाथ रख दिया कि मैं इनके साथ हूँ, पर वो ऑटोमेटिक थी, बटन दब के आगे चल पड़ी हो। तो जो इंसान इस लिफ्ट को सबसे ज्यादा डिजर्व करता था वो बाहर जा रहा है। अरे मैंने कहा अनर्थ हो गया, पीछे आओ स्टीफन हॉकिंग, कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ रहो, मैं जाता हूँ। गया मैं बाहर और देखा वो लौंडा जो था ना 20 साल वाला, वहीं छुपके खड़ा हुआ था। मैं कहा भाई तू भी मेरी तरह ढीठ है, तू ना जा रहा सीढ़ियों से। कहता भैया जाएगी ना नीचे, ऊपर आएगी फिर चलते हैं। मैं कहा ठीक है। कहता भैया एक बात बोलूं, एक बार और बीप बीप हो जाए तो आनंद ही नहीं आ जाएगा, एकदम मजा नहीं आ जाएगा। मैं कहा आएगा तो सही, गेट बंद हुआ बीप बीप, हमने तो हाई फाई किया। वो जाड़ी अंकल बाहर आए, हम दोनों अंदर चले गए। भगवान है मैं बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी जगह दिख जाता है। Hi guys, वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। मैं कुछ लाइव शोज कर रहा हूँ इन सिटीज में, कपल ऑफ ऑनलाइन शोज ऑल्सो। इसका जो डिटेल्स है, टिकट लिंक्स है, वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में भी है। एंड अगर आपको किसी शोज के लिए या बिजनेस इंक्वायरी के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो प्लीज रीच आउट टू मी ऑन दिस ईमेल आईडी।